हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं एक वेबसाइट डेवलप करूँगा, कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट, वो भी डॉक्टर का वेबसाइट का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो फीचर्स यूज़ है इसके बारे में मैं सारा चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कैसा ये दिख रहा है वेबसाइट ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, होम बटन, ठीक है, होम है। तो होम का सारा फीचर, ये पैरालेक्स व्यू है, बैकग्राउंड स्टैटिक है और ये फ्रंट है। ये देखिए इस तरह से इसका एनिमेशन है। तो कंप्लीट इसको बनाएंगे आज। फुटर है ये रहा, ये सब देखिए। ये फेसबुक पे क्लिक करने पे फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर लिंक, जो भी आपका लिंक होगा वो उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे होम, और ये जो भी है फुटर का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये मैंने अपने खुद लिख लिया है। अभी जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे गए, देखिए नेक्स्ट पेज पे है ये। यहाँ पर मैंने तीन ही दिया है कार्ड, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितना भी डॉक्टर्स अगर अवेलेबल होंगे या फिर आपका पर्सनल होगा तो वहाँ पे आप अबाउट मी करके लिख सकते हैं कुछ भी, या फिर आप किसी का डेवलप कर रहे हैं स्पेसिफिक लोग का। तो फिर देखिए इस पेज में क्या है, ये जो है कस्टमर सेक्शन है, रिव्यू इंडिकेटर, रिव्यूज़ है और सम बेसिक स्टेप्स दैट शोस। तो ये इसके बारे में डॉक्टर्स हैं, जो भी करंटली सिम्टम्स हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ये रेगुलर अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट में ये देखिए रीच है। आप मैप पे क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा, मैप का यूज़ किया। यहाँ पे जो भी इंटर करना है, ईमेल, पासवर्ड, ये सब बना हुआ है जो कि डेटाबेस के लिए है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ इंटर नहीं करूँगा तो ये चला जाएगा नॉट फाउंड सोर्स में। और उसके बाद लास्टली इसका जो सबसे अच्छा फीचर है ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का, आप इस पर दे सकते हैं। डायरेक्ट इस पर क्लिक करने पर व्हाट्सएप में चला जाएगा और ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए मैं आपको मोबाइल व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा इसका नैवबार, ये देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। कार्ड वन बाय वन अपीयर हो गया, ये देखिए एंड तक सब कुछ। तो ये इसको आज कंप्लीट सीखेंगे बनाना। तो स्टार्ट करते हैं फोल्डर क्रिएट करने से। तो ये मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करूँगा, नाम दे दूँगा, ठीक है, फोल्डर। अभी ये फोल्डर को ओपन करूँगा मैं सबलाइन टेक्स्ट से। ये ऑलरेडी जो बना हुआ है वेबसाइट उसका कोड्स है तो इसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे। मैं इसको आपको PHP पे बताऊँगा, HTML पे भी कुछ है नहीं दिक्कत, बस आपको इसका नाम सेव करना है। बस वही डिफरेंस है कि आप .php से सेव करेंगे PHP में और इसको XAMPP सर्वर से चलाएंगे, जबकि HTML का है कि डायरेक्ट ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो नया फाइल बनाएंगे, नया फाइल का नाम रखेंगे index.php, ठीक है। तो चार फाइल है, उसके अकॉर्डिंग चार फाइल बना लेंगे। सेकंड फाइल का नेम doc.php। अभी फर्दर है क्रिएट करेंगे। अभी क्या इमेजेस लिखा, इमेजेस मैंने यूज़ किया था तो न्यू फोल्डर बनाएंगे, इमेजेस नाम से सेव कर दूंगे। ये देखिए क्रिएट हो गया इसके अंदर। अब इस डॉक्टर के अंदर ही न्यू फोल्डर बनेगा, वो CSS नाम से सेव होगा। और इस CSS के अंदर मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा जो कि style.css। तो बहुत इजी है इसको बनाना, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा आपको। मैं कम्प्लीटली आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स बता दूंगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। टाइटल doc.com। अब चूँकि हमको क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ से मैं जाऊँगा। ये देखिए वेबसाइट इनिशियल ऐसा दिख रहा है। तो रिस्पॉन्सिव का तो मैंने आपको दिखाया ही था अभी मोबाइल व्यू के लिए। तो रिस्पॉन्सिव के लिए क्या आ जाएंगे, W3 स्कूल
डब्ल्यू थ्री स्कूल ओपन करेंगे। यहाँ पर बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप पे गया, बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करूँगा मैं। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या ये जो फीचर है वो क्या है, रिस्पॉन्सिव के लिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से कॉपी करूँगा, डायरेक्ट बूटस्ट्रैप के पेज में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जो सबसे नीचे जो होगा डाउन में ना मेटा डेटा, उसको कॉपी कर लेंगे। ये लगता है बूटस्ट्रैप 3 इसमें देखते हैं, getting started। ये रहा, ये वाला भी यूज कर सकते हैं या सबसे नीचे वाला भी, दोनों। तो सबसे नीचे वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, ओके। इसमें पहुँचना भी इजी हो जाएगा। तो ये रहा कोड, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से बॉडी का पार्ट, और ये कॉपी हो गया कम्प्लीटली। अभी मैं इसको क्या कर दूँगा, सीधा पेस्ट कर दूँगा, और कुछ इसको कुछ करना नहीं है। ये पेस्ट हो गया, लिंक स्टाइल सीट ऑलरेडी है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट को मैं उठाता हूँ, तीनों स्क्रिप्ट, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ बॉडी के नीचे। ये क्या होगा, आपका लोडिंग टाइम को ना कम करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट काम मेरा। अभी देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे, बस कुछ लिखता हूँ पैराग्राफ यूज करके, ताकि आपको पता चले कि रन हो रहा है प्रॉपर लिखने। लोकल होस्ट के थ्रू ही रन होगा, यह पीएचपी का है इसलिए। तो डॉक 1, ठीक है। अभी मैंने देखिए, मैंने थोड़ा सा डेटा लिखा था ये जो है, तो ठीक है। इसको आगे अब देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेटा 2 टैग था लेना, मैंने ले लिया। एक मेटा टैग और देना, मेटा कैप सेट है, दोनों मेटा टैग है। ये देखिए पहला मेटा टैग, ये दूसरा मेटा टैग। लिंक है स्टाइल सीट, तो ये बूटस्ट्रैप है जो कि आपको रिस्पॉन्सिव बनाएगा। दूसरा लिंक मैं करूँगा css/style.css, जस्ट लाइक इसमें देखें css/style.css। अभी इसमें मुझे क्या यूज़ करना है, फॉन्ट्स यूज़ करूँगा, तो फॉन्ट का भी जो होगा उसको भी मैं इसी समय स्टार्टिंग में ही कॉपी कर लूँगा। गूगल फॉन्ट जो भी फॉन्ट आपको प्रॉपर लगे आप सेलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
मिनट, ओल्ड फॉन्ट मैंने से पहले चेक कर लिया था। लोडिंग स्लो है मेरा, लगता है डेटा एग्जॉस्ट हो गया है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये सब फॉन्ट में, होम पेज पे फिर से करता हूँ। ये फॉन्ट यूज़ करता हूँ, एवरी फॉन्ट है मीन्स बोल्ड। तो देखिए इसमें से आपको कौन सा चाहिए देख लेना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एम्बेडेड कोड है इसका, एम्बेडेड। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका लिंक है इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, ये फॉन्ट का लिंक हो गया। अब जब भी मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा तो ऑटो कॉल हो जाएगा। और ये जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं CSS पेज में कर दूँगा। तो CSS पेज में आकर मार्जिन 0 रखेंगे, पैडिंग 0 होगा, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये इतना हो गया, जो कि फॉन्ट को क्या करेगा, मेरा एक्यूरेसी देगा और मतलब स्टाइल रहेगा प्रॉपर। तो फॉन्ट्स हो गया इतना। अभी नेक्स्ट जो इसमें बचा हुआ, मैं ये क्या करूँगा, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर जो कॉपी किया था। तो ये फॉन्ट फैमिली जो है क्या हो गया, पेस्ट कर दिया था, ठीक है। अभी उसका जो होगा ये चेंज हो जाएगा। देखिए देखिए फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। अभी नेक्स्ट है जो मेरा, वो मुझे क्या चाहिए, लिंक चाहिए। वो लिंक क्या क्यों चाहिए तो वो देखेंगे। ये इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये देखिए ये जो आइकन है ये मुझे देना है। तो ये इमेजेस नहीं, आइकन। तो ये गूगल प्रोवाइड करता है, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम में देना है। यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस कर देंगे, आइकन्स होगा, आइकन्स, आइकन्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे जो भी आइकन चाहिए हॉस्पिटल का सर्च करते हैं। देखिए हॉस्पिटल का आइकन आ गया, ये एच प्लस के साथ इसे ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या है, एंकर टैग है। तो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। इस पेज में आते हैं, अब हमारा ये एक चीज़ बाकी रह गई है फॉन्ट पर्सन पर। इसको मैं कॉपी किया, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, मैंने यहाँ से कॉपी किया। अभी इसको क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली मेरा कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 लिंक और 2 मेटा टैग। इसको ध्यान में रखें, मैं इससे कंपेयर करता हूँ, 1, 2, 3, 4 लिंक और 2 मेटा टैग। अभी हेडर का काम कम्प्लीट हो गया, बॉडी से स्टार्ट होगा। तो बॉडी में देखिए, बॉडी में सबसे पहले है क्या, बॉडी में सबसे पहले मेरा नैपबार, ये रहा नैपबार, ठीक है। तो नैपबार के लिए कहाँ जाएंगे, बुकस्ट्रैप में, बुकस्ट्रैप फोर में गए, वहाँ से कम्प्लीटली आपको नैपबार का कोड मिल जाएगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नैपबार सर्च करता हूँ, देखिए नैपबार
तो जैसा नैप बार चाहिए मैं यहाँ पे लेता हूँ नैप बार, इसको कॉपी करता हूँ ये वाले नैप बार को, इसमें एडिट करके उसको कन्वर्ट करेंगे कम्प्लीटली। यहाँ पे शुरू है, अभी कहाँ है, बॉडी में है, स्टार्ट होगा तो उसको यहाँ से कमेंट में दे देता हूँ ताकि आपको ईजी हो। स्टार्ट, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नाम का, कमेंट का ध्यान में रखेंगे इसी तरह लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ नैबर जस्ट यहाँ पर रख देगा, नैबर नैबर स्टार्ट हो गया। अब कॉपी करता हूँ नैबर रिकॉर्ड को, ये कॉपी कर लिया, टेस्ट कर लेता हूँ। ये वाला मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया था, इसको फिर से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और टेस्ट कर लेता हूँ। कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है सो स्ट्रेस नहीं है, वही कोड था जो पहले मैंने किया था। तो ये स्टाइल शीट लिंक ये मैं आपको बता दूँ, क्लाउडफ्लेयर नाम से आप जब भी सर्च करेंगे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सोचने का। फॉन्ट ऑसम का है ये, 4.7 का भी ये आपको ऐप से मिलेगा। यहाँ पे जाएंगे CDJM, यहाँ पे ऐप से जाना और इस पर आपको जो भी क्वेरी होगा वो आपका मिलना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉन्ट ऑसम का, देखिए फॉन्ट ऑसम का है, यहाँ से जाना और ये जो है कॉपी कर लेना लिंक टैग बस, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे नंबर पेस्ट कर, अभी इसको सेव कर देता हूँ तो देखेंगे कैसा दिख रहा है। ये देखिए नैप बार यहाँ पर दिख रहा है, अभी ये डेटा का है। इस टाइप से करना हमको, यहाँ पे नेम रहना चाहिए, ये साइड सारा बटन्स रहना चाहिए कैपेबल। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ जो इनिशियल है नैप बार लार्ज नैप बार बिजी लाइट है, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, इसको मैं कर देता हूँ डार्क, ये देखिए डार्क हो गया। और इसको मैं कर देता हूँ डार्क, देखिए अपीयर हो गया। तो अब इसको यहाँ से शुरू करेंगे, नैप बार है तो नैप बार का नाम चेंज कर देता हूँ इसमें, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, ये एम एल है तो एम राइट है तो राइट साइड में है इसलिए इसको एम एल कर दूंगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये देखिए सारा इस साइड आ गया। अभी एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये सर्च बार है, ये ड्रॉप डाउन है और ये लिंक, तो इस तीनों को मैं डिलीट कर दूंगा, प्रेस्ट जो बचेगा उसको कॉपी करेंगे। तो ये होम टैग है, ये है इसका एंकर टैग, ये है लिंक पहला, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ डॉक, देखिए डॉक हो गया। अब ये है जो ड्रॉप डाउन है, ये देखिए ड्रॉप डाउन, इसको डिलीट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रेमिडीज, नेक्स्ट ये आ गया सर्च वाला, तो सर्च का डिव मैं हटा देता हूँ,
नो यूज, यहाँ से कॉपी और इसका नाम कर देता हूँ ये डिसेबल है, इसको इनेबल करना होगा। डिसेबल इसमें शो करेंगे, नेक्स्ट वाले में जो होगा उसको इनेबल कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए बस इसको हटा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल दिखा देगा। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अभी सर्च को मैंने डिलीट नहीं किया है, ये फॉर्म है जो ये डिलीट कर देने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ये दोनों इधर इधर चिपका हुआ है पूरा टोटल, कंप्लीट राइट और कंप्लीट लेफ्ट। तो इसको मैं को क्या करना है, सेंटर में लाना है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, सबके साथ यूज कर देता हूँ। तो ये जो डार्क लिखने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, करंट है ये, तो इसलिए ये सब कर रहा हूँ। ओवर इफेक्ट डाल के उसको मैं कंप्लीट, आगे आपको बताऊँगा कैसे करना। यहाँ पर हो गया मेरा कंप्लीट। अभी मुझे को पैडिंग चाहिए, तो मैं इसको, ये डिव है इसमें मैं इसको पैडिंग दे दूँगा, जस्ट लाइक यहाँ डिव कंटेनर पैडिंग टू, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल नाम देना पड़ेगा इसको, डिप कंटेनर, डिप कंटेनर पैडिंग टू, ठीक है। तो ये पैडिंग वाला डिप में लेना, यहाँ पे पैडिंग वाला डिप देना है, ठीक है। तो ये जो था ये डिप नहीं था, मैं आपको दिखा था डिप क्लास का नाम कंटेनर पैडिंग टू, ठीक है। तो ये साइड टाइप से यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ नैप लाइन हो गया। तो इसको यहाँ से कॉपी कर, एंड हो गया। अब देखेंगे कंप्लीटली क्या इफेक्ट है। देखिए ये आ गया, ठीक है। कि इसमें अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इजी सेकेंडरी है, इसको कर देते हैं डार्क, इससे क्या होगा कंप्लीट कलर अच्छा होगा। ये देखिए फॉन्ट वेट सबका अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दूंगा सब में फॉन्ट वेट, इससे क्या हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा। डिप में ही देखता हूँ एक बार पहले कि वर्क करता है कि नहीं, अगर वर्क कर, देखिए वर्क कर गया। तो एक जगह मैंने दे दिया डिव में, इंडिपेंडेंट देने से बेटर यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ये हो गया बोल्ड। अभी मेरे को देखिए एप्लीकेबल है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है।
तो इसको को निकालना होगा। index.php doc.php सबको जो मैंने नाम किया है, ये इंडेक्स है, दूसरा क्या है डॉक है, डॉक और पेज पे ये जो नाम है ये है रेमिडीज, डॉक पेज पे नेक्स्ट क्या अबाउट डॉट पेज पे, तो इसको रीच डॉट पेज पे कर लो लिटिल डिफरेंट। दो फाइल और बनाना होगा तो दो फाइल और बना देते हैं, डॉट पी एच पी एंड नेक्स्ट बनेगा रेमिडीज डॉट पी एच पी। तो ये दो फाइल बन गया ये सी एस एस का, तो यहाँ पर मैंने रेमिडीज डॉट पी एच पी कर दिया। अब देखो ये ब्लैंक पेज पे जाएगा क्लिक करने पर, ये देखिए ब्लैंक पेज पे गया, देखिए देखिए नॉट फाउंड, क्योंकि इस सब में मैंने अभी किया नहीं है। ठीक है, तो ये इनिशियली हो गया। अब ये मुझे क्या चाहिए, सारे पेज में चाहिए। ठीक है, तो सारे पेज में मुझे ये चाहिए, तो मैं कंप्लीटली कॉपी करूँगा, तो सेव पेस्ट सेव पेस्ट सॉरी। तो ये देखिए W3 स्कूल में जाऊंगा ना, W3 स्कूल में जाने के बाद अब यहाँ सर्च करेंगे पैरेलेक्स, तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा पैरेलेक्स, हाउ टू क्रिएट पैरेलेक्स। अभी देखिए पैरेलेक्स स्क्रोलिंग है, तो स्क्रोलिंग का देखेंगे, देखिए इस टाइप से, तो इसको मुझे बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप ये देखिए स्टाइल का पार्ट है जो आपको करना, और ये बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, आपको कंप्लीटली हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो किया वो, तो देखिए पहले डिव दिया है डीजी इमेज, उसके अंदर क्लास है कैप्शन, और उसके अंदर क्या है स्पेशलिस्ट, तो कैप्शन स्पेशलिस्ट का डिव है जो ये वाला मीडियम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, डिव एंड हो गया दोनों, नया डिव शुरू होगा, तो उसी तरह से करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ। स्टार्ट, तो यहाँ से पैरेलेक्स स्टार्ट है, पहला डिव, डिव का क्लास है बीजी इमेज। ठीक है, क्योंकि मैं बीजी इमेज ही लूँगा, देखिए डिव का क्लास बीजी इमेज वन पहला इमेज है, तो बीजी इमेज वन, इसके अंदर फिर डिव, इसका क्लास है कैप्शन, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या स्पेशलिस्ट, देखेंगे इफेक्ट, अभी कुछ दिखेगा नहीं इफेक्ट, पैरेलेक्स सीएसएस नहीं यूज किया मैंने, इसलिए। तो ये हो गया मेरा बीजी इमेज, अभी मुझे इमेज चाहिए, तो देखिए ये वाला इमेज का जो है वो remedies.php इसमें बन गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा।
रेमिडीज डॉट पी एच पी हमको डॉक्टर वाले में चाहिए था। ठीक है, तो अभी इमेज का देखिए ब्लैक खाली है, फोल्डर ओपन करेंगे। सेव कर देता हूँ सारा। फोल्डर में जाऊंगा मैं इमेज पे, तो ये देखिए सारा इमेज को मैं कॉपी कर देता हूँ। और यहाँ बैठ जाऊंगा, यहाँ पे देखिए डॉक्टर कौन सा फोल्डर गया है, ये इमेज, इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया पेस्ट। अब देखूंगा मैं इसमें, देखिए इमेज आ गया होगा, देखिए इमेज आ गया। तो अब सीएसएस वाले पार्ट में आऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो सीएसएस वाले पार्ट में मैं पहले आपको बताता हूँ क्या करना है। इतना सारा कंप्लीट होने के बाद तो अब सीएसएस वाले पार्ट में क्या करना होगा, पहले मैं बॉडी को लिख देता हूँ। बॉडी एचटीएमएल, गलती नहीं करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स में एरर हो जाएगा। तो हाइट है जो 100%, मार्जिन 0, कलर ये दे दिया मैंने, ये इसलिए दे दिया मैंने क्योंकि ये जो पार्ट है ये कम्प्लीटली इस तरह से दिखेगा, ये स्पॉट होगा तो इसलिए मैंने दिया। तो अब नेक्स्ट हो गया क्या इमेज का, तो कितना इमेज है पहले मैं वो चेक करता हूँ। 1, 2, 3 और तीनों इमेज का नाम मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड से, जस्ट लाइक यहाँ देखिए ये है एक इमेज, दो इमेज और तीन इमेज। ठीक है, तो ये तीनों इमेज है। तो इमेज का देख लेंगे, इमेज को कम्प्लीटली इस तरह से करेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको इमेज का अभी दिखाता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो वापस आते हैं इंडेक्स पेज पर, नाम कहाँ दिया था मैंने, यहाँ पैरेलल स्टार्ट इमेज दे दिया था, डिव एक कम्प्लीट हो गया था, अभी डिव कम्प्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद अब मैं तो कुछ चाहिए क्या, नया डिव बनेगा। देखिए नया डिव बना दिया, मैं इसका क्लास दे देता हूँ एक्स्ट्रा डे, आपको जो मन आप दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिव क्या होगा, कंटेनर, कंटेनर देने से फ़ायदा होता है कि ये डिस्प्ले के अकॉर्डिंग सॉरी क्लास देने के बाद डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ये
अपना ये चेंज कर देता है साइज। अभी नेक्स्ट क्या हो गया, डिव एक और देना, तो आप काउंट भी कर लीजिए डिव का, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, सारा डिव के अंदर डिव है दो। ये हो गया मेरा कंप्लीट, तो एक दो तीन डिव, तीन डिव यहाँ हो रहा है। तो अभी डिव इसलिए दिया मैंने क्यों, क्योंकि देखिए ये बैकग्राउंड इमेज के अंदर ये है और इसमें है जो ये वाला कार्ड, तो ये वाला कार्ड बनाऊंगा ना, तो कार्ड के लिए भी आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल पर, कार्ड ये देखिए CSS कार्ड्स है, तो इस टाइप का कार्ड्स पर आना है होवर इफेक्ट के साथ। ये देखिए होवर इफेक्ट है इसमें, तो इस टाइप का मैं कार्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ नया डिव, डिव क्लास एक्स्ट्रा डिव, ठीक है। अभी इसमें मैं नाम दूंगा क्यों, क्योंकि देखिए ये रिस्पॉन्सिव है, तो ये बैक टू बैक यूज है। इंस्पेक्ट एलिमेंट्स किया मैंने, ये देखिए कार्ड्स जो आ गया वो वन बाय वन एक के नीचे एक आ गया, तो उसके लिए मुझे जो लिखना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, कॉलम बनेगा लार्ज डिवाइस में चार, ये आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। कॉलम बनेगा मीडियम डिवाइस में चार, और कॉलम्स होगा टोटल 12, ठीक है। इस तरह से आप दे दीजिए। नेक्स्ट एंकर टैग दे देता हूँ, एंकर टैग दे दिया मैंने। अभी बीजी इमेज को एंकर टैग में अभी कुछ नहीं देता हूँ, क्लास इसका देता हूँ ताकि प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, और टेक्स्ट मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी होगा नेक्स्ट जो करूँगा मैं वो कार्ड का करूँगा, एस3 नाम दे दिया, गेट गेट क्विक रिप्लाई। अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने अभी CSS नहीं किया उसका, देखिए कुछ नहीं आया, तो CSS करूँगा। तो CSS के लिए जाएंगे CSS के फोल्डर में, बीजी इमेज, बीजी इमेज के अकॉर्डिंग रखना होगा। यहाँ पे नाम मैंने रखा था डिव का, बीजी इमेज वन क्विक रिप्लाइज, बीजी इमेज वन, मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये सेव, CSS में आऊँगा, डॉट से कॉल करेंगे इसको, बीजी इमेज वन, ठीक है। तो इसका मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, पोजीशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिलेटिव, ठीक है। ऑफिस सिटी रखेंगे, ऑफिस सिटी जो रहेगा वो 0.65, ये मैं आपको चेंज में दिखाऊंगा कि क्या होता नहीं होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। बीजी इमेज का ये सारा है, तो तीन बैकग्राउंड इमेज बनेगा, तो मैं यहीं पे दे देता हूँ, उसके बाद फिर वापस नहीं आना पड़ा। बीजी इमेज टू कॉमा बीजी इमेज थ्री, डॉट नहीं दिया तो देखिए ये हो गया। अभी तीनों बीजी इमेज का हो जाएगा। अभी इसका क्या करना, बैकग्राउंड का ध्यान रखना होगा, अटैचमेंट ये क्या करना होगा, फिक्स कर देना होगा। इससे क्या होगा,
कि आपका बैकग्राउंड फिट रहेगा। बैकग्राउंड का जो पोजीशन है उसको भी मैं कर देता हूँ सेंटर। बैकग्राउंड रिपीट, तो बैकग्राउंड रिपीट का क्या होगा, नो रिपीट। बैकग्राउंड से रिलेटेड सारा है जो यूज होगा प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड साइज तो कवर, ठीक है ये हो गया। अभी बीजी इमेज का इमेज डालूंगा मैं इसमें, तो डॉट बीजी इमेज वन। ठीक है तो ये हो गया वन। अभी इसमें बैकग्राउंड का इमेज डालूंगा, बैकग्राउंड इमेज तो URL लिखते हैं, ठीक है URL लिखूंगा तो ये आ गया बैकग्राउंड में। सिंगल कोट या डबल कोट, डबल कोट अभी डबल डॉट देगा। डबल डॉट देने से क्या होगा कि वो बाहर आ जाएंगे स्पेस से, फोल्डर में एंटर करके। फोल्डर में एंटर करने के बाद किस फोल्डर में है, इमेजेस, इमेजेस फोल्डर में है। ये देखिए यहाँ पर इमेजेस फोल्डर स्लैश क्या नाम है डॉक वन डॉट पी एन जी, ये कर दिया मैंने इतना। नेक्स्ट क्या आएंगे, मिनिमम हाइट 100%, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सही, बीजी इमेज है, इसको रिफ्रेश फिर से सेव कर देता हूँ, आता है कि नहीं। और चूँकि तीन इमेज चाहिए तो तीन इमेज के लिए मुझे तीन यहाँ पे बनाना होता है। ये देखिए आ गया, बाकी सब नहीं आया। तो इसमें मैं आगे बढ़ूँगा, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट पैरलेक्स, पैरलेक्स इफेक्ट का है बीजी इमेज वन। कैप्शन दे दिया, स्नैप दिया हुआ है, डिप व्यू, डिप व्यू में व्यू ऑफर है, तो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना है। डिप व्यू कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद देखेंगे कंटेनर सेक्शन हेडर्स एक्स्ट्रा डिप, कंटेनर सेक्शन हेडर एक्स्ट्रा डिप ऑलरेडी है यहाँ। कंटेनर रो, रो के बाद में क्या क्या है देखेंगे। देखिए रो के बाद में एक डिप, दो डिप, तीन डिप। अब तीनों डिप का प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था, तो अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया है कॉलम वाला, तो फिर से तो कॉलम एक्स्ट्रा डिप क्लास का नेम है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिप कॉलम लार्ज चार मीडियम चार, जिसका अभी आपको इफेक्ट में दिखाऊंगा कुछ देर में। अभी दूसरा क्या चाहिए मेरे को, नेक्स्ट एंकर टैग के साथ ये और आइकन, ठीक है। तो आइकन वाला आपको मैं बता चुका हूँ, आइकन वाला फिर से बता देता हूँ। अभी मैं एंकर टैग तो लिख लेता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। एंकर टैग के अंदर क्लास है और उसका एंकर नेम, ठीक है। तो क्लास दे देता हूँ मार्जिन टेक्स्ट तीन, क्योंकि ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो वेटर हो जाएगा। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से फॉन्ट ऑसम वाला, फॉन्ट ऑसम आइकन। पहला आइकन कौन सा है मेरा, मेरा आइकन है मेडकिट, मेडकिट को सर्च करता हूँ। मेडकिट ये देखिए मेडकिट है, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ कर दिया पेस्ट, पेस्ट ये हो गया पेस्ट मेडकिट। अभी देखिए ये फॉन्ट है ऐसे,
तो अभी इसका साइज़ जो है वो छोटा आएगा, तुमको साइज़ चाहिए बड़ा, ये साइज़ चाहिए देखिए। अभी जो इनिशियली साइज़ है इसका ये छोटा है और मेरे को साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो ये इस साइज़ में चाहिए मेरे को, ये साइज़ में, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ 4x, इससे क्या होगा साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, एक एक हो गया ये। अभी उसके बाद मेरा क्या है, उसी कार्ड के अंदर है क्विक रिप्लाइज, तो हेडिंग है, पैराग्राफ है। अभी हेडिंग और पैराग्राफ का मैं CSS करता हूँ, क्योंकि इसको ऊपर में ही CSS कर देना चाहिए था। हेडिंग, तो हेडिंग का CSS बहुत इजी है, इजी तरीके से हो जाएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो लेटर का स्पेसिंग से मैं शुरू करूँगा, ठीक है, लेटर स्पेसिंग कितना पिक्सल देता है, 5 पिक्सल। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट अपीयर होगा ना वो थोड़ा सा अच्छा होगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अपर केस फॉन्ट का साइज को देख लेते हैं, फॉन्ट का साइज रखूँगा 20 पिक्सल, कलर रहेगा फॉन्ट का ब्लैक, ये ब्लैक शो करता है 00। आपको जो भी कलर चाहिए होगा वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा हेक्स कोड, तो हेक्स कोड के नाम से ये कलर जाना जाता है, तो आप इजीली देख सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड, पैडिंग टॉप 30 पिक्सल, ये मैं इसलिए दे दिया तो ऑलरेडी कि प्रॉपर अच्छा लगे, आप बाद में इसको चेक करके चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया मेरा हेडिंग का, जब भी हेडिंग का मैं यूज़ करूँगा ये थर्ड का, जहाँ भी किसी भी पेज में, तो ये ऑटो इससे रीड हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा कि मुझे बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा। राइट वंस रीयूज मैनी कर सकते हैं, पैराग्राफ में ज़्यादा नहीं करूँगा, फॉन्ट साइज होगा 0.9 आरियल, लाइन हाइट 1.6, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर इसका भी कलर क्या होगा ब्लैक। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट हेडिंग को, अब मैं यहाँ हेडिंग यूज़ करूँगा, ये फॉन्ट का कंप्लीट हो गया सेक्शन, यहाँ पे हेडिंग H3 क्या था, हेडिंग के बाद उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में क्या इम्पोर्टेंट लिखने लायक है, 300+ डॉक्टर्स, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, जो नीड होगा आपका, तो आप इसमें बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम का, प्रिंटिंग का आराम से आप लर्न करिए, सीखिए, इसको एडिट करिए, CSS डिफरेंट ट्राई करिए, डिफरेंट CSS डिफरेंट कार्ड सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, W3 School Bootstrap ये सबका हेल्प लीजिए, परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, यहाँ पे देखिए ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट कर लूँगा। एक दो, तो तीन हो गया कंप्लीटली। अब इसमें जो जो चेंजेस लाने हैं वो ला देंगे, तो क्या क्या है देख लेते हैं। पहले वाला में मेडकिट था, दूसरे वाले में क्या है यूज़र MD, और थर्ड वाले में है हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे अफोर्डेबल चेकअप है, तो अफोर्डेबल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, तो पहले यहाँ से कर देता हूँ,
चेंजेस के लिए आपको जो भी चाहिए आप फॉन्ट ऑप्शन पे सर्च करके नाम चेंज कर सकते हैं। मैक चेंज होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा और यहाँ पे हॉस्पिटल का लोगो है तो हॉस्पिटल का लोगो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। ये सारा हो गया ठीक है। अभी सेम है इसका क्या पैरलेक्स टू भी है सेम तो मैं आपको दिखा दूंगा कमेंट सेक्शन में रखना। तो ये मेरा हो गया। अभी इसमें क्या करना है अफोर्डेबल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप अफोर्डेबल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप ठीक है। इसमें ये हो गया फुल्ली इक्विप्ड है आपका हॉस्पिटल ये आप दिखा सकते हैं। ये हो गया चेंज। दूसरा ये इसमें चेंज करना तो इसमें क्या देना है अगे टावर बेस्ट 300 प्लस डॉक्टर्स वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्स। तो इसमें हो जाएगा क्या यू हो जाएगा ट्वेंटी प्लस स्पेशलिस्ट जितना भी है डॉक्टर्स आपके पास वो। तो ये हो गया बस तीनों हो गया मेरा कंप्लीट ठीक है। तो सेम चीज़ होगा क्या देखिए सेम चीज़ है पहला ये सेम दूसरा ये भी सेम थर्ड में कुछ नहीं है। तो ये दो सेम है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पैरलेक्स टू को कॉपी कर लिया है थ्री का भी आपको मैं कोड्स दिखा देता हूँ। ठीक है तो पैरलेक्स वन एंड हो गया। ये आपको ध्यान रखना होगा ये तीन ही होगा तीन का ही यूज़ करना तीन का हाइफन तीन हाइफन। तो ये पैरलेक्स टू हो गया स्टार्ट ठीक है। पैरलेक्स टू स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर मैं पैरलेक्स टू का वही बीजी वन है दूसरा का कंफर्मेशन देता हूँ क्या करना है उसमें। तो डॉट बीजी इमेज टू बैकग्राउंड यूआरएल इमेजेस में नेक्स्ट इमेज मुझे देना है जो भी होगा तो मैं दे देता हूँ doctr.png देखा हूँ कैसा ये इमेज तो इसमें मैं doctr.png रख डिफरेंस पता चलेगा बी जी इमेज थ्री बैकग्राउंड इमेज यू वाले डबल इमेजेस फोल्डर
gsa.png। तो ये हो गया मेरा, अभी थोड़ा सा और देना होगा कैप्शन का, जिससे कि क्या हो प्रॉब्लम नहीं हो। तो डॉट कैप्शन पोजिशन, कैप्शन जो है वो ये दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है। तो पोजिशन में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट 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 पोजिशन हो गया, लेफ्ट जीरो, टॉप 50%, आपको जो भी चेंजेस करना है आप फर्दर देखेंगे और चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बस ये कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, फिर भी चेक करते हैं क्या है। ये देखिए आ गया, ये इमेज मैंने अभी दिया नहीं है, इसलिए देखिए दोनों कोलैप्स्ड हो गए एक ही साथ, वो ये बीच वाला इमेज, तो उसको सही करना होगा। इमेज तो इसलिए मैं पहले इसको कैप्शन को कर देता हूँ कंप्लीट, कैप्शन ये इसको कैप्शन कंप्लीट होने के बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, सबका सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट ही प्रॉपर अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट के बाद कलर इसका रहेगा ब्लैक, ऑब्वियसली टेक्स्ट का जो कलर ब्लैक ही होता, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे दे दिया हूँ कि अगर कोई चेंजेस करना हो कलर में तो पता चले स्पेसिफिक कि कलर का चेंज कहाँ से होगा, नहीं देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद दोस्तों कैप्शन, कैप्शन में बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर का क्या हुआ, तो बॉर्डर का देखेंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को कर देंगे कलर डीम कलर रहेगा जो कि प्रॉपर दिखे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर सॉरी इमेजेस हो गया, ठीक है बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर होगा इसका, ये टेक्स्ट का कलर होगा जो इसके ऊपर अपीयर होगा कैप्शन के अंदर, पैडिंग होगा नॉट टॉप ओनली पैडिंग, पैडिंग जो हो जाएगा 16 पिक्सल। ये टॉप भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट तो टॉप ही रहता है। फॉन्ट साइज इसलिए दे दिया मैं कि चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा, सेंटर बीच में आ जाएगा सिंगल पैडिंग से, टॉप राइट मेंशन होता है तो सिर्फ टॉप पे पैडिंग रहता है। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग का 10 पिक्सल दे देता हूँ। ये हो गया मेरा कंप्लीट, अभी इससे कंपेयर करता हूँ। ये मेरा कंप्लीट पीजी इमेज, कैप्शन, हेडिंग, बीजी इमेज, कैप्शन, हेडिंग, ये सब सब है। यहाँ पे भी देखिए कैप्शन, बीजी इमेज, हेडिंग है, तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, इसको मैं आर कर देता हूँ, इसको BOC कर देता हूँ, देखते हैं ओके होता सब कुछ हो गया है। देखिए ये आ गया, अभी देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पर है इफेक्ट, तो कार्ड का कोई इफेक्ट अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम चीज़ हो गया है। ये देखिए मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, दोनों में डिफरेंस कम है, ये नया वाला, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए इमेज के, ये देखिए ये डाउन में इमेज था, इसको मैंने चेंज करके बॉटम मिडिल में लाया हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट पेज लगभग कंप्लीट, अब मुझे सिर्फ इफेक्ट देना है और नीचे फुटर देना है। तो फुटर के लिए मैंने पहले मैं CSS कर लेता हूँ कुछ कुछ पार्ट का, ये
पे हो रहा है। अभी पैरलेक्स तीनों ख़त्म हो गया, ठीक है। लास्ट पैरलेक्स के बाद सिर्फ ये है, फुटर है तो फुटर को मैं यहाँ दिखाऊंगा। अभी क्या करना है, इसका होवर करना है। ये जो है ये जो कार्ड जो मैंने बनाया, ये कार्ड तब दिखेगा जब इसका मैं क्या कर लूँगा, होवर करूँगा। तो इसका जो मैंने नाम ऑलरेडी रखा हुआ है हेडर स्टडी, तो जाता हूँ मैं यहाँ। हेडर एक्स्ट्रा डिव के लिए करेंगे और एक्स्ट्रा वो करेंगे, तो डॉट हेडर एक्स्ट्रा डिव, हेडर एक्स्ट्रा डिव हो गया। यहाँ पे इसका विड्थ होगा 100%, हाइट होगा 8 कवर होगा। हाइट के बाद अब देखेंगे मार्जिन, मार्जिन कितना दे दूँ, मार्जिन दे देता हूँ 100 पिक्सल, टॉप और बॉटम 0, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, सबसे बेस्ट और सुपीरियर है सेंटर अलाइनमेंट। तो ये हो गया मेरा हेडर एक्स्ट्रा डिव। उसके बाद अब इसमें देखेंगे और कौन सा डिव है। हेडर एक्स्ट्रा डिव के बाद अब आ गया क्या, ये वाला पार्ट, तो होवर करने का ये आइकन होवर होगा सब कुछ। तो ये है नाम एक्स्ट्रा डिव, कॉपी कर लेता हूँ, डॉट एक्स्ट्रा डिव। तो एक्स्ट्रा डिव का होगा क्या, बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस देता हूँ 12 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद आ गया आइकन का, आइकन हो गया मेरा, आइकन का कलर कलर दे देता हूँ 5-1, आपको जो भी मना दे सकता है, मैं अपना प्रेफरेबल कलर दे देता हूँ जो बेस्ट सूटेड है, ठीक है। अभी इसका क्या होगा, होवर इफेक्ट होगा आइकन का, तो आइकन होगा तो होवर होगा इसका, इसका कलर होवर चेंज होगा, होवर इफेक्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा जस्ट इसको बनाने के बाद। कलर हो जाएगा इसका FF9200। ये हो गया मेरा इतना डिव से रिलेटेड जितना था। अभी डिव व्यू भी है उसमें, डिव व्यू, डिव का जो व्यू है नाम दिया हुआ है मैंने, मैं आपको दिखा दूँगा। इसका कलर जो होगा और पोजीशन जो होगा रिलेटिव होगा, रिलेटिव नहीं दूंगा तो कार्ड के साइज से ज़्यादा बड़ा शो करेगा, इसलिए रिलेटिव नहीं दूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अभी डिप का हुपर चाहिए, ये डिप का हुपर, एक्स्ट्रा डिप का हुपर, ऑलरेडी एक्स्ट्रा डिप, ये सिर्फ आइकन का ओवर है, एक्स्ट्रा डिप का भी ओवर कर देता हूँ। क्योंकि कार्ड एक्स्ट्रा डिप का ओवर करूँगा तभी तो कार्ड आपको दिखेगा। बॉक्स शैडो, वो जो पीछे शैडो दिख रहा था उसका है
ज़ीरो ज़ीरो ट्वेंटी सल ज़ीरो और आर पी आर जी बी ए क्या हो जाएगा, देख लेता हूँ क्या लिया उन्होंने। एक्स्ट्रा डेब स्टार्ट सही किया, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ज़ीरो 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 पॉइंट ज़ीरो थ्री, ठीक है। पॉइंट थ्री एक्स्ट्रा डिप डिप स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, यहाँ से डिप स्टार्ट हुआ। कार्ड डिप नाम दे देते, कार्ड डिप हो गया। सेव हो गया सब कुछ, देखिए ये हो गया कलर। देखिए मैंने दोनों जगह यूज़ किया था, तो देखिए ऊपर में भी हो गया होगा। ये देखिए परफेक्ट अच्छा दिख रहा है, जस्ट लाइक इसके। ये देखिए कलर इसका है, कलर का डिफरेंस, कलर दोनों कलर दोनों वही है, ठीक है। तो अभी रेस्ट क्या बचा हुआ है ये देखते हैं। ये कॉलम हो गया, फुली हो गया, पैरेलेक्स भी हो गया, पैरेलेक्स ठीक है, पैरेलेक्स भी हो गया। अभी इसमें जो कलर है वो दे दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कलर दिया, ढूंढ लेता हूँ पहले कलर। बीजी इमेज कार्ड दे देखिए कार्ड दे। डॉक्टर का ही अच्छे जो भी हो उसको देख लेंगे बाद में। ये हो गया मेरा कंप्लीट। एंड अब क्या नेक्स्ट स्टार्ट होगा। अभी मेरा रेस्ट क्या बाकी है, ये हो गया, दोनों डिप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। ये हो गया, फुटर चाहिए मेरे को, तो हम जाएंगे फुटर पे, फुटर पे काम करेंगे। फुटर आ गया हमारा, यहाँ पे कहाँ कह गए फुटर को, फुटर कहाँ है, तो फुटर को देखेंगे। फुटर के लिए देंगे क्या फुटर टैग, मैं दूंगा तो फुटर यहाँ कर देते हैं स्टार्ट, फुटर स्टार्ट पेशेंस रखिए। आप ब्रेक करके भी देख सकते हैं क्योंकि एक बार में अगर पॉसिबल नहीं होगा तो, बट आप लगे रहिए कम्प्लीटली, अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए, प्रैक्टिकल करके करते जाइएगा तो कम्प्लीटली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और एकदम बिल्कुल अच्छा वेबसाइट बनेगा आपसे। तो स्टार्ट कर दें फुटर, ठीक है।
ठीक है, फुटर में ज़्यादा आप दे भी सकते हो, वैसा भी दे सकते हो, तो मैं नॉर्मल फुटर बनाता हूँ, ज़्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दे देता हूँ, फुटर का क्लास फुटर ही दे देता हूँ, जस्ट लाइक इसमें ये देखें फुटर का जो क्लास है वो फुटर ही है। नेबर का लिंक्स भी होगा तो इसमें, तो उसको देख लेंगे अच्छे से। ये देखिए आइकन्स, ये सब मैंने सब यूज़ किया हुआ है। तो अब मैं बनाऊंगा फुटर, ठीक है, कम्प्लीटली आपने देख लिया अच्छे से। तो फुटर का स्टार्ट कर देते हैं, नाम दे देते हैं फुटर सेक्शन, ठीक है, फुटर सेक्शन हो गया। बैकग्राउंड दे देता हूँ सेकेंडरी, बीजी सेकेंडरी, या आप गूगल पर सर्च करेंगे बैकग्राउंड बीजी के नाम से तो बहुत सारा आएगा, बीजी इन्फो भी आता है, बट जो सुटेबल है वही। इसका आईडी दे देता हूँ, कंटेनर के बाद देखेंगे इसको कि किस तरह से ये है, कंटेनर का यूज़ कैसे है का तो देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये है कंटेनर, तीन क्या है, एक सीक्वेंस में है, ठीक है, हॉरिजेंटल में, तो इसी तरह मुझे बनाना है। तो हॉरिजेंटल में बनाने के लिए इसको जूम कर देता हूँ, छोटा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हॉरिजेंटल बनाने के लिए पहले क्लास दूंगा डिप का, इसको थोड़ा नीचे करता ताकि क्लास का नाम कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर रहेगा वो, रो ही में था वो तीनों सिंगल रो, तो क्लास क्या होगा रो 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 रो, 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 रो। क्लास हो जाएगा इसका, क्या कॉल करेंगे ताकि अपीयरेंस हो सेम अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग तो कॉल जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। कॉल लार्ज फोर, कॉल मीडियम सिक्स कर दूँगा, कॉल 12, ये हो गया कॉल 12। अब इसका नाम दे देता हूँ फुटर टिप, क्योंकि सी एस एस इसमें भी करना होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल फुटर भी बना सकते हैं, उतना दिक्कत करने का बात नहीं है, आप एक सेंटर में फुटर दे दीजिएगा जस्ट लाइक ऐसे, और उसमें फुटर क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे फुटर सेंटर पर देना होगा, ये देखिए मैं पहले से कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बनाता हूँ फुटर, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ पैराग्राफ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया फुटर की। अभी देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, फुटर बन गया, ये देखिए फुटर बन गया, सेंटर में कर दूंगा तो सेंटर हो जाएगा ये, और फुटर का जो सी एस एस अगर दूंगा तो ये हो जाएगा, दे देता हूँ। देखिए सेंटर हो गया, ये देखिए, तो मैंने उसे डिव अच्छा दिया था इसलिए बना दिया था ताकि वो जो इमेज हो गई, ठीक है। तो आपने देखिए इजी दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया मेरा फुटर, यहाँ तक मैंने कॉल कर लिया था, इसको मैं रिट्रीव करूँगा वापस से, ये डिव हो गया कंप्लीट, नया डिव शुरू करूँगा मैं,
सारा चीज़ डिप के अंदर होगा। इस डिप का कोई क्लास नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, हेडिंग H3। हेडिंग में मैं लिखूँगा, अभी मैं अपना लिख देता हूँ, इंजन होल्डर, आपको जो भी रिलेटेबल हो आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। पैराग्राफ में क्या लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ अपना, क्या लिखना है ये पैराग्राफ कॉपी कर लिया, इसको मैं कर लिया पेस्ट, ये हो गया मेरा। देखिए ये एक साइड बन गया, ये तो इसको इस बनाना है वैसे ही, तो उसको क्या करूँगा मैं, कॉपी, किसको कॉपी करूँगा, यहाँ से करूँगा इस डिप को कॉपी और इसको कर दूँगा वापस से पेस्ट, बाद में सिर्फ पैराग्राफ ही एडिट करना होगा। सॉरी कॉपी तो हो गया, कॉलेज कुछ क्रिएट करना ना, क्रॉस चेक करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक सेम टू सेम है, ये ठीक है, आना तो चाहिए था अच्छा, सॉरी एक लाइन छोड़ दिया था मैंने, इसको ठीक कर सकते, एक दो, ये 1 2 3 हो गया नॉर्मल। अभी मैं इसको एडिट कर दूँगा सारा चीज़ जो भी होगा, तो उसके लिए मैं उतना नहीं करूँगा, मिडिल वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंकर टैग का यूज़ करूँगा, ये मिडिल वाला को हटा देता हूँ कम्प्लीटली, ये पैराग्राफ में चाहिए मेरे को, एंकर चाहिए इस टाइप से, दे दे एल आई चाहिए, लिस्ट 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 एल आई, सॉरी एल आई टैग चाहिए, एल आई टैग में क्या रहेगा, एंकर टैग, एंकर टैग में इंडेक्स, इंडेक्स डॉट पी एच पी, और यहाँ पे क्या रहेगा, होम पे कैप्स स्मॉल का लिख कर मैंने लिख देता हूँ, कैप होता यह हो गया होम। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जितना हो चारों, एडिट कर देंगे आप तो मैं उतना नहीं करूँगा, आप अपना कर लीजिएगा, ये जो दो मेरे को चाहिए था वो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपना ऑलरेडी बना हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर रेफर नहीं करेंगे लोग देखते हैं, यहाँ से मैंने दोनों उठाया पेस्ट कर दिया, ये हो गया क्विक लिंक्स, लिंक्स का ऊपर होगा अभी नैप बार को मैंने अभी कुछ नहीं चर्चा किया इसलिए ऐसा दिखता है, ठीक है, तो इस लिंक्स का भी मैंने करूँगी, ये मेरा हो गया फूटर, फूटर का जो आएंगे तो करेंगे सारा चीज़, फूटर को करना है, मोर टेक्स्ट को वाइट रखना है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये देखिए टेक्स्ट को वाइट रखना है, ठीक है, तो ये जब आएगा फुटर का टेक्स्ट को मैं करूँगा, और ये तीन आइकन है ये वाला, ये सबको यूज़ करना है इसके बाद फिर से, तो वो सब मैंने उठाया है फॉन्ट और सब से ही, तो यहाँ पे देखिए ये नया डिप बन गया यहाँ, ठीक है, तो कुछ नहीं फुटर आइकन है डिप का नाम, और ये तो मैं क्रिएट करता हूँ बाकी कॉपी कर लूँगा, div class footer icon के बाद क्या है, footer icon के बाद है
मार्जिन टेक्स्ट चार और टेक्स्ट सेंटर एमटी फोर एंड टेक्स्ट सेंटर। अभी सारा क्या है, एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर जस्ट लाइक यहाँ जैसे मैंने लिखा था, ये देखिए एल आई लिया, उसके अंदर एंकर टैग, यहाँ भी सेम है एंकर टैग और उसके अंदर एल आई है। एल आई में ये है साइज इसका और ये फेसबुक का यूज़ किया हूँ। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, देखेंगे कैसा लगता। ये देखिए हो गया, अभी इसका कुछ सी एस एस नहीं किया इसलिए इसका कलर ऐसे दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा सी एस एस में भी इसका फ्लोअर इफेक्ट सब। नेक्स्ट हो गया मेरा क्या, कॉपी राइट लिखने क्लास थ्री पैराग्राफ ब्लैक में आएगा आपको। तो पैराग्राफ में क्या लिखा था मैंने, कॉपीराइट नॉट फाउंड समथिंग समथिंग, सेंटर कर देते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट जो सिंगल सिंगल यूज हो उसको मैं यहीं पे सी एस एस कर लिया। ये देखिए टेक्स्ट सेंटर हो गया, सब कुछ हो गया। फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए कैसे लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट जस्ट लाइक इसका। अभी ये एक और डिवाइस वो क्या है, तो वो जो है ये फीचर लगाइए, ये जो व्हाट्सएप है वो चाहिए मुझे। तो ये व्हाट्सएप वाला है ये डिव, ये मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा। ये लिंक है डिव लिखा हुआ मैंने स्क्रॉल टॉप फ्लो, ठीक है। तो ये स्क्रॉल टॉप का है, ये आप सिम टू सिम, और ये जो एंकर टैग के अंदर ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है दो लीटर का, वो कोड है, वो व्हाट्सएप पर आप जाएंगे लिंक करने के लिए तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ कोई इशू नहीं है, ये रहा डन। ये आपको दिख जाएगा, अभी दिख नहीं रहा करंटली, सी एस एस नहीं है इसका। तो एक्स्ट्रा डिव हो गया है, अभी सी एस एस जो होगा वो किसका होगा, सी एस एस होगा, देखते हैं किसका होगा सी एस एस। तो एक्स्ट्रा डिव कंप्लीट है, फुटर सेक्शन का सी एस एस होगा। फुटर सेक्शन में मैं आपको जल्दी से कर देता हूँ, फुटर सेक्शन के साथ कोई इश्यू नहीं है, ये आपने अकॉर्डिंग फुटर सेक्शन आप जैसा चाहें दे सकते हैं। फुटर सेक्शन को जो देखिए सारा चीज आ गया सुबह, ये देखिए कॉपीराइट राइट सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, कलर ये सब मैच हो गया सब कुछ। तो फर्स्ट पेज ओवरऑल कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ कलर है, कलर चेंज भी कर सकते हैं, भी मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। ये हो गया फैसिलिटीज़, तो अब आएंगे इसमें ओरिजिनल जो साइट है। अब देखेंगे सेकेंड पेज, तो सेकेंड पेज में देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक कार्ड भी हुआ और क्या है ये बॉटम, तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं बॉटम को, क्योंकि हर बॉटम में यूज होना है ये फुटर, सॉरी ये फुटर को मैंने कर लिया कॉपी, सारा पेज का फुटर सेम होगा। ये डॉक पेज पेस्ट, फुटर पेस्ट रीच हो गया, डॉग पेज हो गया, इंडेक्स पेज हो गया, रेमिडीज पी एच पी होना चाहिए, नैपबैक का तो यूज़ हो ही गया,
कंट्रोल भी। ये देखिए कुछ है नहीं बीच में, इसलिए हेडर और फुटर बस यही आपको दिखेगा। ये देखिए हेडर फुटर दिखेगा, हेडर फुटर दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ सेकंड पेज में, इसमें इफेक्ट देखें। तो सेकंड पेज में देखें क्या है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इंडेक्स पेज हो गया सेकंड पेज का, इसका नाम है .php। ये रहा सेक्शन, सेक्शन में देखिए हेडिंग है पहले, फिर कंटेनर है, रो है। रो है क्यों, क्योंकि तीन कार्ड दिखाना है। तो कार्ड के लिए चलते हैं W3 School, यहाँ पर आपको कार्ड्स मिल जाएगा। इसमें करना भी हमको जब तक लोड हो रहा है, देखते हैं स्पेशलिटीज स्पेशलिस्ट। तो मैंने यहाँ तीन ही कार्ड दिया, अगर नंबर में डॉक्टर्स एक्स्ट्रा हैं तो कार्ड दे सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूँगा नंबर ऑफ कार्ड्स कैसे इंक्रीज करते हैं। ये देखिए बुक्स कार्ड्स, ये रहा कार्ड, ये रहा कार्ड, फिर प्रोफाइल, ये प्रोफाइल भी देख सकते हैं आप, बेसिक है ये। ट्राई इट योरसेल्फ, बेसिक कार्ड्स अच्छा ठीक है। ये तो क्या कार्ड्स ऐसा चाहिए हम लोग को, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है कार्ड। यहाँ देखो कार्ड का कुछ है नहीं, पहले ये देता हूँ सेक्शन हेडिंग डीप प्रो कंटेनर और कॉलम, ठीक है। तो आ जाता हूँ top.php में, हेडिंग से ऊपर बढ़ते हैं, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कार्ड्स इंस। तो ये हो गया कार्ड्स इंस। तो अभी इसमें सेक्शन देता हूँ, सेक्शन का नाम डॉक कार्ड्स एंड मैगजीन टेक्स्ट, डॉक कार्ड्स MP4। इसके अंदर एक डिप रहेगा, डिप का क्लास कंटेनर, इसके अंदर एक डिप रहेगा, डिप का क्लास रो होगा, इसके अंदर डिप का क्लास, और इसके अंदर रहेगा कॉल लार्ज। देख लेते हैं क्या क्या है। कॉल कार्ड डिव नाम रहेगा इसका, कॉल लार्ज चार चार बार, ठीक है। कार्ड डिव कॉल लार्ज चार, कॉल मी चार, कॉल बारह, ये हो गया। अभी इसके अंदर हेडिंग देना, हेडिंग का क्या रहेगा, आवर डॉक्टर्स, सॉरी हेडिंग ऊपर में ही देना था मुझे, सेक्शन के दस बाद ठीक है। कॉल हो गया, अभी यहाँ डिप देना, डिप में क्या क्या देना है, इमेज देना है,
ठीक है, इमेज है और कार्ड इमेज है, तो इमेज कार्ड को लिखना है, म्यूनसिपल कोड करना है और ये लिखना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। टेस्ट कर देंगे, आप पॉज करके देख लीजिएगा क्या है सेंटेंस, अगर आपको देखना हो कार्ड बॉडी उसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको भी टेस्ट कर दिया, तो ये हो गया एक बार, ये देखिए ऊपर नहीं है, नॉर्मल एक बार आ गया, मल्टीपल बार करना हो सकता है, कॉपी करते तो देखते हैं क्या होता है, ये देखिए 40 हो गया, फिर इसका साइज हो गया इधर उधर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है पिंक ठीक है, ये हो गया कार्ड, अभी कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ से, तो टेस्ट कर लेंगे, तो इसलिए वही करना है, अभी यहाँ से देखिए एक कार्ड एक दूसरा कार्ड, तो ये मैं दोनों कार्ड को कॉपी कर देता हूँ, तो आ जाएगा, तो डायरेक्ट वो भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है तो इस कार्ड को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, वो मैंने लिखा दिया आपको, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, वही है कॉपी पेस्ट करना, मैं एडिटिंग टेक्स्ट लिखूँगा उससे बेटर ये फास्टली वर्क करेगा, ये देखिए तीनों आ गया, स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है अपीयरेंस है अलग अलग इसका, तो वो मैनेजेबल है, अभी आएंगे CSS में, CSS देखेंगे इसका कैसे है कार्ड का, तो फुटर ख़त्म हो गया है हमारा, बटन का होमवर्क कर दिया मैंने, बटन का होमवर्क देखिए और कॉन्टैक्ट्स का है, ये कार्ड डिप, तो डॉक्टर कार्ड डिप कार्ड का है, जो भी कार्ड हुवर के लिए हुवर इफेक्ट पेस्ट, ये देखिए डॉग कार्ड्स था, तो देखिए यहाँ पे है डॉग कार्ड्स, ये किसको देगा कौन किसको देगा, तो यहाँ पे कार्ड डॉग मैच डॉग, ये देखिए डॉग कार्ड है, इसका CSS है डॉग कार्ड विथ 100% हाइट 40 पिक्सल मार्जिन 10 पिक्सल, और ये और नेक्स्ट क्या है कार्ड डिप है, कार्ड डिप का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कार्ड डिप, कार्ड डिप किसको करेगा, ये जो हेडिंग ये सब आएगा ये सब को करेगा, मीन्स कार्ड को करेगा, ये कार्ड डिप, कार्ड डिप का हुवर है यहाँ पे, ठीक है ट्रांसलेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैं अभी लगाया हूँ, ठीक है अभी देखिए हो रहा है ऊपर, हो रहा है ना ऊपर जा रहा है, अभी देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट देखिए एक्स वाई जेड ये सब आएगा, अभी मैं एक्स लेके दिखाता हूँ, माइनस 10 पिक्सल लेता 10 पिक्सल, अभी देखिएगा इसका होवर, ये देखिए लेफ्ट राइट होने लगा, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है प्रॉपर दिख रहा है, ये फुटर ऑलरेडी था यूज्ड, तो ये दूसरा पेज हो गया मेरा कंप्लीट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ नंबर ऑफ कार्ड का डिप इंक्रीज करके, ये आपका सेक्शन है कॉपी करता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं कॉपी हुआ, कंटेनर तो बाद में अच्छे सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं, नया सेक्शन बना देना,
डिवाइस को पावर करने का भी ये हो गया। यहाँ से मैं पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ, तो कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए जो आप कितना भी दे सकते हैं आपको जितना में डॉक्टर्स ऊपर वाला गायब कर दिया मैंने, सॉरी। एक दो तीन ये वाला गायब करना, ये नया सेक्शन है यहाँ पर। ये देखिए ठीक, तो जितने भी सारे डॉक्टर्स होंगे आपके पास आप कर सकते हैं। तो मैं इंक्रीज कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। सारा कार्ड्स जितना भी डॉक्टर है आप देख सकते हैं में। तो ये हो गया कार्ड्स आपका कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाएंगे रेमेडीज़। तो रेमेडीज़ का सेक्शन कैसा है ये देखिए। ये नॉर्मल इंडिविजुअल वेबसाइट है। रेमेडीज़ में देखिए वन साइड पेज है, इमेज है और सेकंड साइड का ये सेक्शन। तो रेमेडीज़ में कुछ करना नहीं है, ईजी है बहुत, जैसे कॉल कर सकते हैं उसी तरह से। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेक्शन है कंटेनर डिव है और रो, तो सेम कंटेनर डिव रो बना देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉल सिक्स बारह और ये सिक्स हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ को क्या हुआ मैं कॉपी कर दूँगा। तो मैं आपको खाली इनिशियली दिखा देता हूँ रेमेडीज में। रेमेडीज में क्या कस्टमर सेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करता हूँ सेक्शन से। सेक्शन का क्लास क्लास कुछ नहीं है, कंटेनर है, रो सेक्शन का कोई क्लास नहीं है, टिव है, टिव का क्लास कंटेनर डिव क्लास रो डिव क्लास कॉल सिक्स ट्वेल्व। ओके, ये सिर्फ दो दिखाने के लिए है। अगर अगर आप चेंजेस करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। अगर आप कुछ अलग लिखते हैं और आप जब उसको रन करेंगे, पहले कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद कुछ अलग लिखिए, एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करिएगा तभी आप कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। मैं भी एक्सपेरिमेंट कर करके ही सिखाऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम में ही ऐसा बन जाएगा। तो आप जितना पहले एक नॉर्मल बना लीजिए, उसके बाद आप उसको चेंजेस करके प्रैक्टिकली देखते जाइए। अभी ये हो गया, अभी मैं इसको यहाँ से हेडिंग और ये सोर्स जो भी है डॉक्टर वाला इमेज का उसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये हेडिंग क्योंकि ये डिप के अंदर है, ये हो गया कॉपी। अभी ये सेम डिप बनेगा, इसको हटाना है और इसमें जो है वो पेस्ट कर लूँगा। हेडिंग से कोविड 19 के बारे में लिखा हुआ है, गूगल से सर्च करके मैंने लिखा नथिंग एक्स्ट्रा।
ठीक है, देखेंगे अब। ये देखिए आ गया, सम बेसिक सेफ डेट सोर्स, हाउ टू चेक सिम्टम्स, गेट अप डेली अपडेट्स, कोरोना, द कोरोना 210 कंट्रीज फॉलो किया कब है। तो ये डॉक्टर्स अपना उनका पेज है, वो डाल सकते हैं रेगुलर अपडेट, वीकली सिम्टम्स। यहाँ पे कोरोना अभी अपडेटेड है तो मैंने उसका किया है कोविड 19 का। तो ये पेज भी हो गया कंप्लीट, अभी रेमेडीज हो गया, डॉक्टर्स पेज हो गया, ये हो गया, ये ब्लैक कलर भी है, डिफरेंस ब्लैक ज़्यादा प्रेफर लग रहा है। कोई नहीं, वो कलर हमको मैं आपको बता दूँगा कहाँ से चेंज है। बीजी सेकेंडरी को हटा के डार्क कर देना है। तो ये हो गया, अभी ये पेज को रीज करना। तो इस पेज में जो है देखिए, इस पेज में क्या है, रीच डॉक वन साइड है ये। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो भी इसके बारे में डेटाबेस कैसे क्रिएट करना उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें पता चलेगा। तो रीच अस में सिर्फ मैं मैप बता देता हूँ और ये डेटा मैं कॉपी कर लूँगा अभी, और डेटा और डायनेमिक साइट्स ऑब्वियसली आजकल व्हाट्सएप का होता है प्रॉपर यूज़, तो आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेमेंट भी हो गया है, तो पेमेंट गेटवे अगर आप लीजिएगा तो आपको लॉस भी है कि वो परसेंटेज भी लेते हैं, और आप व्हाट्सएप पेमेंट ये सब हो गया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा कस्टमर से। तो रेमेडीज पेज का देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आईफ्रेम का यूज़ किया है जिसमें कि मैप है, सेम कॉल लार्ज 12 मीडियम डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे है ये सब है, तो आप सर्च कर लेंगे कि कैसे ये आपको सोर्स मिलता है, आपको स्टेप्स मिल जाएगा सारा कि कैसे ये फ्रेम को यूज़ करना है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। और ये वाला चीज़ ग्रुपिंग है, ये हूबर का है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया था इसलिए, क्योंकि ये सब मैं आपको दिखा दूँगा जब दूसरा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चेंज कर देंगे। वो आप नाम चेंज कर लीजिएगा, मेरा ऑपोजिट हो गया, ये उसमें आ गया और रीच डॉक। डॉक्टर्स हो गया, रेमेडीज हो गया, रीच डॉक में क्या है, रेमेडीज में था ये। अच्छा, तो इसको चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, कंट्रोल है, कंट्रोल चेंज हो गया। ये देखिए आगे इसका ये CSS भी है ऑलरेडी, फिर सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, डेटाबेस मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसलिए। अभी ये रीचेस हो गया, रेमेडीज वाला पेज को देखना पड़ेगा, कार्ड का प्रॉब्लम हो गया। इसको डायरेक्ट में उठा लूँगा यहाँ से, ये हो गया, देखिए आ गया,
ये जो आ गया फिर से वो आ गया एंड नॉट पार्टनर ये हो गया। कलर का आपको बता देता हूँ, कलर कहाँ से प्रॉब्लम है। वेबसाइट कम्प्लीटली हो गया है, देखिए कलर में यहाँ बीजी डार्क है, ठीक है। तो इसको सेकेंडरी कर देना, तो देखिए कलर हो जाएगा नॉर्मल। ये देखिए हो गया, ये देखिए हो गया फाइनली फुटर इसका गायब है, फुटर चाहिए। हो गया तो वेबसाइट कंप्लीट डन हो गया, तो मैं हटा देता हूँ पुराना, ये नया